जगदलपुर में बड़े चैनलों के नाम से वसूली करने वाले फर्जी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह पत्रकार इंडिया टीवी आज तक के नाम से बिल बुक छपवा कर ग्राम पंचायतों में विज्ञापन की वसूली करता था। इंडिया टीवी आज तक इस नाम का भ्रम फैलाकर अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा है। फर्जी पत्रकारों ने इंडिया टीवी आज तक के नाम से न केवल बिल बुक छपवाई बल्कि फर्जी सील लगाकर पैसे भी वसूले हैं। इनका शिकार ग्राम पंचायत के पंच सरपंच होते थे। ये आरोपी विज्ञापन के नाम पर बिल बनाकर जमा कर वसूली कर रहे थे। बताया जा रहा है उन्होंने 16,80,000 के बिल पंचायतों और अफसरों को बांट कर वसूली की है, जिसकी जानकारी इसके पास मिली फर्जी बिल बुक से हुई है। इसकी जानकारी जब चैनलों के प्रतिनिधियों को लगी तब उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नीलांबर सेठिया और बिल बुक एवं सील बनाने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति चैनल आज तक तथा इंडिया टीवी चैनल का फर्जी बिल बुक रसीद बनाकर तथा उसका सील बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर 5,000-10,000 की वसूली कर रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत इसमें जांच की गई। जांच पर पाया गया कि बकावंड निवासी नीलांबर सेठिया तथा उसका साथी शेख वकील ये दोनों मिलकर उसमें रसीद बुक छपवाकर और तथा सील बनाकर आज तक चैनल तथा इंडिया टीवी चैनल का लोगों को लगाकर वसूली कर रहे थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।